Hello friends, good morning. In this video I'm going to be talking about red color, लाल रंग. जैसा कि आप जानते हैं कि लाल रंग हमारे रूट चक्रा का होता है, जिसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र. तो आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्रा की या रूट चक्रा की, उसको हमने कैसे एक्टिवेट करना है, वो हमारे किस किस काम आता है. तो रूट चक्रा अर्थात जड़, रूट जो है किसी भी चीज़ की जड़ होती है, और जड़ अगर हमारी मजबूत हो तो हमारा पूरा हर पेड़, हमारा पौधा बहुत सुंदर दिखता है. तो रूट चक्रा इसी तरह से हमारे शरीर का बहुत ही अहम हिस्सा है. तो जब हमारा रूट, हमारी जड़ स्ट्रांग होगी तो हमारा पूरा शरीर, मन, इमोशनल बॉडी, फिज़िकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी मजबूत होती है. ये हमारा पहला चक्र होता है, जैसा कि आप सब जानते हैं. ये हमारे बेस ऑफ द स्पाइन, यानी कि रूट पे, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का जो पूंछ होती है, टेल बोन जिसे हम कहते हैं, टेल बोन पे स्थित रूट चक्रा होता है लाल रंग का. तो इसको ग्राउंडिंग चक्रा भी कहा जाता है, इसको अर्थ चक्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें कनेक्ट करता है मदर अर्थ से. तो मदर अर्थ से जो कनेक्टेड रहते हैं, हम कहते हैं ना, वो बहुत ग्राउंडेड है, बहुत प्रैक्टिकल है, ज़्यादा हवाई बातें नहीं करता, झूठ सच नहीं बोलता, ग्राउंडेड व्यक्ति. तो ग्राउंडेड जो व्यक्ति ग्राउंडेड नहीं है, बहुत सारे लोग जो होते हैं, सपने तो बहुत बड़े बड़े होते हैं और एक्शंस कुछ नहीं लेते, काम कुछ नहीं करते, अपने अपने विचारों में उलझे रहते हैं. तो ऐसा व्यक्ति, उसको कहते हैं वो ग्राउंडेड नहीं है. ऐसे व्यक्ति को लाल रंग, यानी अपना मूलाधार चक्रा एक्टिवेट करना होता है बाय वियरिंग रेड कलर. वो रेड कलर का स्टोन पहन सकते हैं. रेड कलर के स्टोन में रूबी आता है. रेड, जैसे मैंने पहन रखा है, ये रूबी है. तो रूबी जो है बहुत अच्छा ग्राउंडिंग चक्रा होता है. बट इसमें हम ब्राउन कलर को भी लेते हैं, ब्लैक कलर को भी लेते हैं. तो ब्लैक और ब्राउन कलर भी हमारा ग्राउंडिंग में काम करता है. तो कोई भी ब्राउन कलर का आप पहन सकते हैं स्टोन, या ब्लैक कलर का टूरमेलिन जैसा स्टोन है, वो भी एक ग्राउंडिंग चक्रा होता है. तो जिस व्यक्ति का सर बहुत चकराता है, तो वो ग्राउंडिंग स्टोन्स अपने पास रखे, उन्हें पहने, या अपने हाथ में होल्ड भी कर सकते हैं ग्राउंडिंग चक्रा, ताकि जो यहाँ पे जो एनर्जी कथी है, वो वापस आपके मूलाधार चक्रा में आ जाए. सर दर्द होता है तो जो सर पे चढ़ा हुआ नेगेटिविटी है, वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो मूलाधार चक्रा हमारा बैलेंस हो जाता है. ये जो मूलाधार चक्रा है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं अगर ये एक्टिवेटेड हो जाता है? तो अगर मूलाधार चक्रा हमारा एक्टिवेटेड होगा, तो ये हमें पृथ्वी से, धरती से जो भी हमें चीज़ें प्राप्त करनी है, वो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं. धन धान्य ऑब्वियसली, क्योंकि वो मदर अर्थ से ही आते हैं. तो फिज़िकल वर्ल्ड हमारी को फिज़िकल स्ट्रेंथ देता है. जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हड्डियाँ हैं, वो सारी मूलाधार चक्रा से जुड़ी हुई होती हैं. तो मूलाधार चक्रा हमारा अगर एक्टिवेटेड होगा, तो हम लाइफ में फिज़िकली बहुत स्ट्रांग और फिट महसूस करेंगे. अगर आप फिज़िकली ही फिट नहीं हैं, तो आप लाइफ में कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते. तो मूलाधार चक्रा को स्ट्रांग रखना, वाइटल एनर्जी फ्लो करती है, क्योंकि हमारा जो ब्लड स्टोन है, एक ब्लड स्टोन भी है जो रूट चक्रा पे काम करता है. हमारे ब्लड का कलर भी रेड होता है. तो अगर आपको ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं, तो रेड कलर का स्टोन आपको पहनना चाहिए. तो उसमें आप रूबी पहन सकते हैं, ब्लड स्टोन पहन सकते हैं, रेड जैस्पर बहुत अच्छा काम करता है. तो ये तीन चार स्टोन्स हैं, और भी बहुत सारे स्टोन्स हैं आप पर, ये कॉमनली मिल जाने वाले स्टोन्स हैं जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाते हैं. तो इनके स्टोन्स को पहन वियर किया जा सकता है, इनको पहना जा सकता है पेंडेंट के रूप में, या आप रेड कलर से अपने कमरे को एनर्जाइज कर सकते हैं. रेड कलर के फ्लावर्स, गुलाब, गुलाब के फ्लावर्स या गुलाब के पंखुड़ियाँ अपने पानी में डाल के कमरे में रख सकते हैं. तो मूलाधार चक्रा एक सेक्सुअल एनर्जी भी देता है, एक पैशन देता है लाइफ में, एक वाइटैलिटी देता है. तो जिन लोगों को, जिन कपल्स का जो
जो मूलाधार कमज़ोर होता है, जो लोअर ऑर्गन्स कमज़ोर होते हैं, वो इस रेड कलर को पहन सकते हैं। तो रेकी के द्वारा और स्टोन्स के द्वारा आप अपने मूलाधार चक्र को सशक्त और पावरफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मूलाधार चक्र पे चर्चा, और मैंने आपको टिप्स दिए हैं, तो ये आप यूज़ करिए, हाउ टू एनर्जाइज योर मूलाधार चक्र। तो ये मैं एक वीडियो इस पर था, और आप और चक्रास के बारे में भी बात करेंगे कमिंग उसमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।